मारा करो तो इस बोले स्टूडियो दिखा देगा सर। हाँ नंबर एनर क्या तू देने कनक बोला ना कनक कहाँ गई संजय भूषण की मेरे को बोलने से होगा ये हेलो एक थोड़ा के मार दिया मैं नहीं लूँ क्या कहाँ घूमी कहाँ गया लुक सेंटर आप हाथ लगाइए ना सर आप I wish all the best. Congratulations for the Mahapatra entire team. 100% this movie will get 100% super duper hit. Thank you. God bless you. Thank you. जी सर, सर बताइए कुछ फिल्म के बारे में बताइए आपसे जानना चाहूँगी सर। जैसे सबकी को मेरा प्रणाम। जैसे मूवी आपने महापात्र सुनते ही आपको सब्जेक्ट आपके ध्यान में आ चुका होगा जी वो यूपी बिहार से जो लोग जुड़े होंगे वो महापात्र शब्द का मतलब जानते होंगे कि सिर्फ छोटे जात या दलित ही उपेक्षित नहीं है यहाँ पे हम ब्राह्मणों में भी छुआछूत की बात है कि जिस महापात्र के बिना आपको मोक्ष नहीं मिलता है वो भी दुत्कारा हुआ जाता है उसको भी मतलब लोग सिर्फ एक मृत्यु का व्यापारी समझते हैं लोग चाहते सोचते हैं कि वो अगर घर के द्वार पे आ जाए तो मतलब ये अपशकुन है तो ये उसके बारे में हमें फिल्म बनाने की सोच रहे हैं एक सामाजिक मुद्दा है जी। क्या प्रोसेस है फिल्म को लेकर कब से शुरू की जाएगी क्या ये फिल्म नेक्स्ट मंथ से फ्लोर पे जाएगी और इसके मुख्य कलाकार होंगे कुणाल तिवारी और कोई स्टार कास्ट फाइनलाइज है फिल्म में नहीं अभी फिलहाल तो कोई फाइनलाइज नहीं है इसके बाद हम अब इसके पर आज मुहूर्त होने के बाद में इस पे हम वर्कआउट करेंगे बाकी लोगों से जानना चाहूंगी फिल्म हमारी गुड विशेस है महापात्रा की पूरी इंटायर टीम को अच्छी फिल्म बने अच्छे लोग हैं अच्छी टीम है तो अच्छी सक्सेसफुल फिल्म बन जाए हम ये दुआ करेंगे थैंक यू जी सर सर आप बोलिए कुछ हेलो दिस इज संजय सिंह आई एम एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म महापात्रा कुणाल तिवारी एंड माय ब्रदर प्रोड्यूसर एंड द एंटायर टीम ऑफ दिस फिल्म विश ऑल द बेस्ट एंड ग्रैंड सक्सेस थैंक यू ये हमारी फिल्म है दिया तू दिया और बाती हम टू इसका पहला पार्ट आपने सबने देखा होगा तो उसका जो दर्शकों ने प्यार और ये जो दुलार हमें दिया तो उसके ऊपर ही हमने सोचा कि उससे एक नया अध्याय उस पर जुड़ना चाहिए इसके लिए हमने उसका सीक्वल बनाया है वो कंटिन्यूटी में ही होगी फिल्म ये अभी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है हाँ जी वो कंप्लीट हो चुकी है इसके लिए उसका फर्स्ट लुक लॉन्च है आज रोटी के बारे में कुछ बताइए सर रोटी का फिल्म तो हम रोटी के बारे में क्या बोलें रोटी फिल्म तो उसके बारे में मार्केट में सभी का इतना हल्ला हो चुका है कि हम क्या बताएं रोटी हमारे लिए ग्रैंड सक्सेस के जैसे थी और आज भी है दर्शकों का अभी भी इसका इंतज़ार है सिनेमा को अभी भी थिएटर्स में आने का तो ये चीज़ हमने वर्ल्ड वाइड को दिया है और वर्ल्ड वाइड के पास इसका सारा अधिकार हमने दे दिया है तो वही बता सकते हैं कि ये सिनेमा घर तो कब तक पहुँचेगी सलमान खान एंड मिस्टर बोनी कपूर वाज़ द प्रोड्यूसर देन ही मेड द फिल्म सेम फिल्म पोकरी इन Tamil, and he has launched Mr. Prabhu Deva as a director first time in Tamil industry. Then thereafter he made a film called Kaleja with Mahesh Babu and Anushka Shetty, the biggest star cast of Telugu industry. Then he made a film called Kumaran Puli with Pawan Kalyan. Vinod Pradhan has been introduced from Bombay as a cinematographer for the film. And
Manoj Bajpayee was a villain in the film. So like this, all big films he has made in Tamil. Music by A.R. Rahman. Music by A.R. Rahman in the film. Good. You know. Any Fine. Project original in Bhojpuri? 100% I am going to plan in Bhojpuri only. Dilip ji, aapki kya soch hai Bhojpuri cinema ke bare mein? Bhojpuri cinema to वैसे भी आजकल इतना मतलब बड़ा हो चुका है. भोजपुरी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो गई है और भोजपुरी के बड़े स्टार और उनके राइट्स वगैरह भी बहुत अच्छा हाई प्राइस में बिक रहे हैं. तो भोजपुरी सब बिग इंडस्ट्री. थैंक यू सर. दिलीप भाई बताइए, और कितनी खुशी है आपको इस फिल्म के लिए? बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है. मुझे ही नहीं, चाहे कोई भी कलाकार हो, उसको खुशी मिलती है कि हम कुछ नया और अच्छा करने वाले हैं. और महापात्र जो है, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब हमने रोटी बनाई और जो उसका आउटपुट आया, तब हमें लगा कि ये जो है वर्थ है नेशनल के लिए. तो ये फिल्म 2 महीने से हम लोग स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे जब से हमने शुरुआत की थी डिस्कशंस महापात्र के लिए. तो मैं अभी प्री बोल रहा हूँ कि ये 2022 की भोजपुरी से ऐसी फिल्म होगी जो नेशनल के लिए जाएगी. और इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. अभी जैसे हमने रोटी में दिखाया था कि एक जो अपर कास्ट होता है वो लोअर कास्ट को पसंद नहीं करता. पुराने ज़माने में जो अगर नीची जाति के लोग टच भी कर दे तो लोग को लगता था कि हम अशुद्ध हो गए. वो नहाते थे, इनफैक्ट गंगा जल छिड़कते थे अपने ऊपर. लेकिन ये तो ये एक बात समझ में आता है कि ये सोसाइटी, समाज ने इस चीज़ को इस तरीके से बनाया है. लेकिन एक महापात्र जो है वो ब्राह्मण होता है, वो अपर कास्ट से आता है, लेकिन उसके साथ ब्राह्मण और बाकी के जाति वाले लोग भी उसके साथ शूद्र जैसा व्यवहार करते हैं. अगर वो एक ब्राह्मण भी महापात्र को छूना नहीं चाहता है, तो इसी ये एक वन लाइन की स्टोरी है कि उनका जो हालत है, जब किसी की श्राद्ध जब वो लोग करवाते हैं तो 10वें 11वें दिन जो है लोग भगवान की तरह बैठा के रखते हैं, लेकिन जैसे उनका काम ख़त्म हो जाता है तो लोग पत्थर मारते हैं. तो शायद वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो एक हर चीज़ दिखाने के लिए महापात्र में, जो कि शायद ही भोजपुरी में ना किसी ने सोचा होगा और शायद करेगा भी नहीं. सर सवाल है कि आपने जितने भी फिल्म बनाया, अभी एक नया फिल्म है दूसरा वो रहे थे तू दिया और बातें हम तो और रोटी, हाँ ये सब कमर्शियल फिल्म क्यों नहीं बनाते? आप सोचते क्यों नहीं कमर्शियल फिल्म बने और आप हमेशा आर्ट फिल्म बनाने को सोच रहे हो भोजपुरी में, क्यों? वैसे क्या है? जैसे अभी देखिए थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था, तो कमर्शियल वाला ही जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोई नाम नहीं बताऊंगा, एक डिजिटली एक है राइटर डायरेक्टर है, अच्छा राइटर डायरेक्टर है और पत्रकार भी हैं शायद. तो जब मेरी रोटी आई थी उसका ट्रेलर, तो उन्होंने बकाया था 8-10 लाइन लिखा था उसके ऊपर और सब पॉजिटिव. लिखते गए लास्ट में लिखे कि एक अच्छी खासी कहानी में एक्शन ठूस के ख़राब कर दिया, कमर्शियल बना दिया सिनेमा को. मेरा एक सीधा सा सवाल है कि आर्ट फिल्म किसको बोलते हैं और कमर्शियल सिनेमा किसको बोलते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दियाबाती जो है वो कमर्शियल सिनेमा है, मेरी जो रोटी है वो थ्रू आउट कमर्शियल सिनेमा, वो इतनी बड़ी कमर्शियल सिनेमा है कि हम मैं दावे से कहता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि अगर उस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ किया जाएगा तो एक वो एक माइलस्टोन होगा भोजपुरी के लिए. और जैसे मैं खुद एग्जीबिटर हूँ, मैं मेरे खुद के अपने थिएटर्स चलते हैं, मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन चलते हैं मेरे बिहार में. मैंने देखा है कि जब दिव्या भारती या पुराने ज़माने में फिल्में जब लगती थी हमारे यहाँ, तो लोग सिक्के उछाला करते थे. तो अगर रोटी अगर थिएटर में लगेगी तो ये देखने को मिलेगा. उसमें ओम जी ने जिस तरीके से सीन्स लिखे हैं, जिस तरीके से उसके डायलॉग्स हैं, जैसा एक्शन है, तो वो लोगों को लगेगा कि हम कुछ देख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वो थ्रू आउट वो जो फिल्म है वो कमर्शियल है. अगर पोस्टर पे कोई कैरेक्टर रो रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशंस में दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आर्ट सिनेमा. अगर हमने उस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, इसी वजह से लगता है कि वो आर्टिस्टिक सिनेमा है. या रोटी टाइटल है तो लगता है अच्छा गरीबी होगी, हमने परफॉर्म उस तरीके से किया, गरीबी तरीके से फटा हुआ लुंगी पहना हुआ है.
लग रहा है खाने को नहीं है, तो आर्ट फिल्मों का, वो आर्ट फिल्म नहीं है, थ्रू आउट कमर्शियल सिनेमा एक्शन है, रोमांस है, इमोशंस है, सारी चीज़ें हैं। एक झूला फिल्म की है मैंने, वो भी ट्रेलर आने वाला है वर्ल्ड वाइड से उसका, ऐसे देख के लगेगा लोगों की वो आर्ट सिनेमा है, लेकिन वो जो फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि नहीं वो पूरी कमर्शियल फिल्म है। मुन्ना जी आपने इसमें क्या मतलब आपका किस तरह का म्यूजिक है, मुन्ना जी किस तरह योगदान आपका, जोड़ी तो हमें पता लगे चार लोगों की। और ये हम लोग जो मैंने कहा था, ये महापात्र जो होगी, ये फिल्म आज़ादी के समय की फिल्म है, अराउंड 1947 की फिल्म है, तो उसका जो म्यूज़िक होगा या जो चीज़ें होंगी, हम लोग तब के समय में कैसे गाने बनते थे उसके हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं। और मतलब ड्रेस ऑफ कोर्स एवरीथिंग, वो जो आपका एनवायरनमेंट होगा, जो लोकेशंस होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो व्हीकल्स होंगे, वो तब के समय में हम लोगों ने पता किया कि तब के टाइम में जो बैलगाड़ी चलती थी, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है बचपन में, कि वो चक्के वाली बैलगाड़ी होती है जो टायर लगा होता है, लेकिन हाँ, लेकिन तब के समय में लकड़ी का जो है व्हील होता था, तो अभी हमें वैसा बैलगाड़ी ढूंढना है, यानी तो बनाना पड़ेगा। भोजपुर में सर पहला ऐसा होगा ये जो इतने पीछे जाके फिल्म बना रहे हैं, मानते हैं इस चीज़ को आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई फिल्म बना रहा है, लेकिन हाँ हमने जब दियाबाती शुरुआत किया था तो आज 70% रेशियो में लोग वैसे ही फिल्में बना रहे, उससे पहले नहीं बनाते थे। 1.5 से 2 साल पहले भोजपुरी में फिल्में ऐसी बनती भी नहीं थी, और पहले अगर कोई 2-3 साल पहले सोच लेता रोटी और दियाबाती जैसी फिल्म बनाने को, तो शायद वो उसका खुद के लिए ही रह जाता वो सिनेमा, कोई मार्केट में लेता भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है लोगों की का जो नज़रिया है वो भी बदला है। मेरे लाइफ का सबसे जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रोटी मेरी महंगी फिल्म बिकी है, मेरे लाइफ के अभी तक की सबसे महंगी फिल्म बिकी है रोटी, और मेरे लाइफ के अब तक की सबसे महंगी फिल्म भी है रोटी। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म नहीं मेरी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी मेरे लाइफ की सबसे महंगी फिल्म है, और तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों का दौर आ गया है। ये अपना महापात्र कब मतलब हमारा जो ये जो थॉट है महापात्र के लिए, वो ऐसा है कि जब बहुत ही गंदे वाली जब लू चलती है यूपी बिहार में, जब ऐसा आदमी 1-10 सेकेंड तक खड़ा भी नहीं रह सकता धूप के अंदर, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर 45-50 से ज़्यादा होता है टेम्परेचर, गर्म हवा चलती है, तब के समय में इस फिल्म को शूट करना है। हमारा जो प्लान है वो मई एंड का है, जिस समय सबसे ज़्यादा लू चलती होंगी, उस समय हम पूरे थ्रू आउट ये फिल्म जो है लू में शूट करने वाले। मुन्ना जी आपका कहना है म्यूजिक की बात करें? देखिए म्यूजिक का तो कमान पता ही है, और जितनी पीरियोडिक फिल्म है उसका म्यूज़िक बनाना उस समय में जा करके बनाया जाता है, क्या कंपोजिशन होगा, क्या लिरिक्स होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और अभी हम लोग पूरी टीम हम लोग इस पर भी बैठने वाले हैं, बैठ करके भी वर्क चालू कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी एक बार जी स्टोरी इतनी पीछे जा रही है तो म्यूजिक पे काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। देखिए मैं ऐसा बात नहीं है, मैंने रोटी मैंने किया है, रोटी है तू दिया बाती हम पार्ट वन मैंने किया है, तो ये सब उसी के आस पास के कलर के हैं, आज का साउंड इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी फिल्में 1960-1970 यही इसी के आसपास की बनी है। तो हीरोइन भी साड़ी में दिखाई देगी, जींस में? राइट इनके फिल्म में पोल पे तार तक नहीं दिखाई देंगे। कल क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी, जब हम किसी में नहीं पूरा जब हम किसी भी फिल्म को ले बनाते हैं तो जो उसका कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर ही सारी ड्रेसेस डिसाइड होती हैं, कि वो क्या पहनेगा, वो पात्र उसका क्या, एक गेटअप क्या होगा, ताकि वो वही लगे जो हम दिखाना चाहते हैं। ये हर फिल्म में वर्कआउट होता है। मैंने 1940 का एक सीरियल किया था आफ्टर डिवीज़न का, जब ब्रिटानिया सरकार को, ब्रिटानिया सरकार और आपका मुगलों ये जब आते थे नवाब लोग, तो उसमें जब हम मैंने एक मुस्लिम किरदार किया था उसमें, तो उन्होंने प्रॉपर सरारा और वो पूरा ऊपर एक जूड़ा और पूरा गेटअप वो देते हैं। जैसे अब अगर ये फिल्म भी बनती है महापात्र इसका 1947 अगर बता रहे डिवीज़न का पार्ट का, तो उस टाइम पे प्योर जो इंडियन ड्रेसेस होती थी, चाहे सलवार सूट हो या साड़ी हो, जो उनका एक पैटर्न होता था वो दिखाया जाएगा इसमें, और वो कैरी आउट करना। दैट टाइम आई थिंक जो लेडीज है, लेडीज आई थिंक उनको ब्लाउज भी नहीं होते थे,
वो साड़ी से लोग ऐसा मतलब उस तरह का नहीं, ब्लाउज ब्लाउज होता था 1947 में, ब्लाउज होता था। आप बात करें वो ना पहले 1930 उससे 1920 के पहले नहीं होता था, ये बुद्धास के टाइम पे ब्लाउज नहीं होता था, वो गर रैप करके बांधते थे, दैट इज़ अ बुद्धास कल्चर, जो बुद्धा की जो ड्रेसेस थी तो वो थी। बट 1947 में प्रॉपर हिंदुस्तानी ड्रेसेस थी, अगर आप देखेंगे किसी भी सिनेमा में तो दिखाया गया है। सर कैसे जहन में आया स्टोरी आपके? जैन हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, पहले तो टाइटल कर रहे थे, क्लियर हुआ कि हम लोग महापात्र के ऊपर फिल्म बनाए। अब जैसे महापात्र के ऊपर टाइटल आया तो हमने सोचा कि इसमें नया क्या कर सकते हैं। ये जो हमारे समाज के एक वर्ग है जिसे हम लोग जहाँ पे इसके बिना किसी को मोक्ष नहीं मिलता है, और इस वर्ग को महापात्र को बिजनेस ऑफ डेथ बोला जाता है, और यही है, हम एक तरफ से इनको बिजनेस ऑफ डेथ बोलते हैं, और ये व्यक्ति ये वर्ग जो है मोक्ष प्राप्ति कराता है। अगर ये नहीं रहते किसी व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति को अगर हमारे सामने से आ जाए तो हम उसको स्पर्श भी नहीं करते, उसे ढंग से बात भी नहीं करते, उसे दूर रहना पसंद करते हैं, उसको छूना नहीं पसंद करते हैं, और बहुत ही उच्च कोटि के उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करता है। उनकी शिक्षा आरक्षण की हम बात तो करते हैं, आरक्षण की जैसे मुद्दा आता है ना, हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी इसी में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन क्या देखिए, देखा जाए तो मैं भी ओबीसी हूँ, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को नहीं, जातिवाद बात चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ना ही मैंने कभी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि जो आरक्षण की बातें आती थी, ऐसे वर्ग जो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हैं उनको भी सरकार को सोचना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए कि उनके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे देश के विकास में क्या योगदान करेंगे। सर आखिरी सवाल है, VFX के बिना फिल्म बननी मुश्किल लग रही है मुझे, VFX होगा इसमें, मानते हैं इस चीज का? नहीं, क्योंकि हमने जो भी अभी तक पीरियोडिक फिल्म की हमने कोई भी VFX यूज नहीं किया, इसमें जो पीछे जा रहे हैं नहीं नहीं, तो हम वैसा लोकेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, हम वैसा करेंगे काम, हम VFX नहीं, फिर अगर VFX करेंगे ऐसी फिल्मों में तो फिर वो फिल्म खराब हो जाएगी। थैंक यू सर, बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।